अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज संडे का दिन है और हर संडे की तरह इस संडे भी हम अपने बट्स के पास आते हैं और काफ़ी देर में बैठता रहता हूँ इनके पास और देखा आता हूँ मैं आपको कि हमारी कोको क्या कर रही है और बट्स क्या कर रहे हैं। तो दिखाते हैं अपनी कोको को, अपने बट्स को। और यार, हमारी डायमंड डफ जो दूसरी थी, वो अल्बाइनो डफ थी, उसने अंडे ख़राब कर लिए। तो जो जो चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर लें। और तो मिलते हैं, चलते हैं बट्स के पास। तो भाई, सबसे पहला तो हमारी कोको, कोको का आज निकालने में देर कर दी तो कोको ने ही कर दी पॉटी। इसको निकालते हैं बाहर और इनके अंडे हो गए हैं। ओ, इन्होंने नया अंडा दे दिया। अब कैसे जजमेंट करेंगे कि पुराना, ये नया अंडा है, ये इसके पुराने अंडे हो गए हैं ख़राब। सही है, इनको हम ठीक। अरे, ये अंडा टूटा हुआ, देखते हैं तोड़ के क्या निकलता है इसमें। तो हम देखते हैं थोड़ी ये इससे। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था इसके अंदर है बच्चा, पर बच्चा सूख गई है। कह रहा था बच्चा है पर बच्चा सूख गया। अभी इन्होंने दोबारा अंडे दिए, पता चलेगा उसमें क्या है। अच्छा, दूसरे वाले को तोड़ते हैं, उसमें क्या है। तो दोस्तों, इसमें भी जो है बच्चा बन रहा था और इन अंडों पर बैठना सिखाई कर दी तो अंडे सूख गए हैं। तो फाइनली हमारे डफ के अंडे खराब हो गए हैं और बच्चे बन रहे थे इसमें। तो उसको हम डाल देते हैं डस्टबिन में। और अब इन्होंने एक नया दोबारा अंडा दे दिया है और कोको को हम निकालते हैं। ओ, कोको तो काट रही है। चुप कर कोको। कोको यार बाहर आने का कोई वो नहीं है, कोको दाना पानी अंदर ही कर देते हैं या निकालते हैं। अगर निकल गई तो अच्छी बात है। बाकी डायमंड दफ्तर पता नहीं, मैं चेक ही नहीं कर रहा इनको। और ये पेयर भी अब अंडियाँ बना तो रहा है, पता नहीं क्या होगा, बन रहा नहीं बन रहा। ये भी माधी अंडिया में जा रही है, वो अंडिया में ही है। और तो दोस्तों, चलते हैं अपने फैंसी चिकन्स के पास, उसको वहाँ खोलते हैं और हीरांजो को खोलते हैं, वहाँ चलते हैं और मैं वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो यहाँ भाई, आपको पता है रोज़ की तरह वालदा ने जो है क्या कहते हैं दाना पानी कर दिया है। और अंडे दिख रहे हैं, अंडे सही हैं। और इनको बोलते हैं यार, ये भाई ने भाई अब महीने से ऊपर हो गया है, अंडे नहीं दिए इन्होंने भाई। तो भाई, इस तरह जो मार्केट में बेचने आते हैं झूठ झूठ बोलकर, तो ये काम ना करें। और देखें भाई, हमारी जो है ना हीर भी जो है ना गुटका रही है फुल। तो इसको बाहर निकालते हैं, रोटी वगैरह खिलाते हैं इनको भी। चलो आओ, बाहर आओ। और डकी गेंद, ओहो पत्ते खा रहे हैं ये तो। डकी गेंद ने फुल खा पी के रेडी हो गया फुल भाई। माशाल्लाह हमारी बड़ी डकी देखें आप, ये वाली भी माशाल्लाह कुछ छोटी नहीं बची। अब तुम्हारा ये जो है ना, ये भी माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। अब थोड़ा मौसम अच्छा होगा तो इनको मैं नहलाऊंगा, सही है। और हमारा जो है ना चिंटू जो था, हमने इसका नाम चिंटू रखा था, चिंटू काफ़ी बड़ा हो गया है माशाल्लाह ना। बाकी डकी गेंद भी बड़ी होती हो रही हैं बहुत जल्द। बहुत जल्द ये भी बड़ी हो जाएगी। तो यार कोको, बाहर आ जाओ यार, तुम लोग से रिक्वेस्ट है, बाहर आ जाओ यार, क्यों नहीं आ रहे। आ जाओ आ जाओ। वाह भाई, बात सुनती है ये, बोलने वाली मुर्गी है भाई, बोलने वाली मुर्गी, बात सुनने वाली मुर्गी, इंसानी जबान सुनने वाली। आज का नया टॉपिक, ब्रेकिंग न्यूज़, बोलने वाली मुर्गी। इसने क्या फंसा लिया भाई, माशाल्लाह से हमारा जो है ये चिंटू फुल बड़ा हो रहा है भाई। अब माशाल्लाह पर्चर निकल रहे हैं, ताज भी निकल रहा है माशाल्लाह से भाई इसका। तो
इंशाल्लाह जल्दी बड़ा होगा हमारे सेटअप पे, और बस ये जल्दी बड़ा हो। पता नहीं मुर्गा है मुर्गी है, वैसे देखने में तो उसका ताज बार आ रहा है तो ये मुर्गा ही होगा, बाकी अल्लाह मालिक क्या है। चलो जब तक ये बाहर आते हैं मैं रोटी लेकर आता हूँ इनके लिए, इनको खिलाने के लिए। ठीक है फाइनली ये लोग आ गए, और इन लोग के डर देखे कैसा बैठ गया है फौरन। ये लोग आ गए हैं बाहर, और इन लोग की आ गई सख्ती यानी शामद। तो भाई ये लोग बाहर आ गए हैं, अब इन लोग का गुंडा राज चलता है बाहर आकर। कोको हमारी बाहर आ नहीं थी, कोको के पास भी जाते हैं, कोको को अला मुर्गे के पास लेके चलते हैं, वो मुर्गे के पास देखते हैं कोको क्या करती है यार, कोको मारेगी इसको। तो ये बाहर निकल गए, बाकी हीरांजो को भी बाहर निकालते हैं। बाहर घूमते हैं उनको देखते हैं, हीर को भी बाहर निकाल देते हैं, ये क्या करती है बाहर निकलकर, बहुत टाइम से हीर बाहर नहीं थी। हमारी हीर बाहर निकल गई है फाइनली, मैं कपड़ा डालूँ इनका डालने वाला रात में। और गंदगी मचा दी हीर ने तो भाई आते ही। तो इनकी मैंने डेट नोट नहीं करी, इनकी डेट भी नोट कर लूँगा, इन्होंने कब जो है ना अंडे दिए थे, बच्चे कब निकलेंगे। कबूतरों के अमूमन जो है ना 20-22 दिन में बच्चे निकल, और एक 18-19 दिन में बच्चे निकल आते हैं अंडों के। तो ठीक है मैं ज़रा इनके लिए रोटी लेकर आता हूँ, फिर मिलता हूँ। बाकी देखिए हमारी ईर को कितना मज़ा आ रहा है बाहर आकर। तो बस मैं आया रोटी लेकर, इन लोग की रोटी लेने गया था, मैंने कहा इसको दिखा दूँ आपको अच्छे करके, बाकी तुम लोग हटो भाई। तो दोस्तों वहाँ पर मैंने दाना पानी कर दिया था और रोटी डाल दी है, अब मैंने यहाँ पर आके कोको को निकालते हैं, इसको दाना पानी करता हूँ, यहाँ पर इसको दाना पानी करते हैं, उसके बाद अगर मेरा दोस्त एक आ गया तो हम चलते हैं लालू खेत, वहाँ थोड़ी कवरेज करते हैं, वहाँ थोड़े आइटम लेने हैं, फिंच की फीमेल लेनी है, और फिंच की फीमेल लेनी है, एक और आइटम लेना था याद नहीं आ रहा, वहाँ से वो लेकर आते हैं, और बाजरा वगैरह लेना है तो वो लेकर आते हैं। ठीक है तो मैं इनको पहले कोको को निकालता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, कोको को निकालता हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो कोको बाहर आ जाओ यार, कोको भाई, कोको को फाइनली बाहर निकाल दिया मैंने, अब देखो क्या होता है। और ये इसको स्क्रैपर से मैंने हटा देता हूँ जो उसने गंदगी करी है थोड़ी थोड़ी, ये जो है ये अंडे पे ना टकरा जाए भाई, बस अंडा टूट जाए पता चले, तो ये फाइनली इसमें यहाँ रख देते हैं। यार अंडे तो गरम है माशाल्लाह से, अंडे तो गरम है, और यार जो भाई ने हमें अंडे देने का कहा था उस भाई का तो चूज़े निकल आए, तो वो उस भाई ने कहा यार आप उससे चूज़े ले जाओ, मैंने कहा नहीं यार चूज़े ले जाना फजूल है अभी। तो ठीक है मैं कोको को पकड़ के रखता हूँ। तो दोस्तों क्या कहते हैं, हीर रंजा हीर अंदर आ गई है, और हमारी ये फैंसी एंड भी अंदर आ गई है, मेल अंदर जाएगा। तो दोस्तों इसी ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो और बेल आइकन बजा दें, ताकि मेरा हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और दूसरी बात, हम चल रहे हैं संडे मार्केट, तो मैं वहाँ जाके कुछ कवरेज करके फिर आपसे वहाँ मिलता हूँ। ठीक है तो वीडियो आज शॉर्ट इसलिए ही बनाई है कि हमें वहाँ भी जाके कवरेज करनी है, तो हम चलते हैं। और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।